व्यूवर्स, इस वक्त मैं पुलडोड़ा में मौजूद हूँ और कुछ दिन पहले मैंने एक स्टोरी की थी कि जो गलगिंदर में एक्सीडेंट हुआ था उसमें 4 लोगों की मृत्यु हुई थी और जिस टाइम पे उनको क्रिमेशन ग्राउंड पे लाया गया था तो उस टाइम पे जगह अवेलेबल नहीं थी, क्रिमेशन ग्राउंड जो है वो रेडी नहीं था क्योंकि कंपनी ने अपने इस माल को यहाँ पर सरिया वगैरह बाकी जो भी जो माल था उसको डंप किया गया था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई। और आज अगर हम देखें तो आज ये स्ट्रक्चर्स हटाए गए हैं, ये स्पेस को खाली किया गया है और ये वो जगह है जहाँ पे उन लाशों को जलाया गया था। और ये अर्थ रिमूवर को बुला के उसी टाइम पे ये जगह जो है वो खाली करवाई गई थी, ये जगह बनाई गई थी। साथ में चन्हाब है और चन्हाब का जो लेवल है इस टाइम पे वो काफ़ी हाई है, लेकिन एक परमानेंट सॉल्यूशन जो है वो इसका नहीं है। अब परमानेंट सॉल्यूशन अब कब मिलेगा वो तो हम नहीं कह सकते, लेकिन होना चाहिए। और कंपनी ने इस अपने जो स्ट्रक्चर्स यहाँ पे इस जगह पे खासकर जो खड़ा किया था उसको शिफ्ट किया है और थोड़ा पूरा भी माल तो है, जैसे ये सरिया अभी भी यहाँ पे पड़ा हुआ है और बाकी चीज़ें भी हैं, लेकिन चलो, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं उस दिन से बेटर सिचुएशन है। अब यहाँ पे लोग आ सकते हैं, जो लकड़ी वगैरह जो भी साथ में लाते हैं तो उसको रखने के लिए भी जगह है और लोग जो हैं उनका यहाँ पे उतना ज़्यादा एडजस्टेड स्पेस जो उस टाइम पे थी वो आज हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो बस यही होनी चाहिए, ये जगहें जो हैं ये ऐसे नहीं इनक्रोच होनी चाहिए। और जितने भी जो क्रिमेशन ग्राउंड्स हैं, जगहें हैं, उनको हिंदू समाज को भी देखना चाहिए कि उनकी सिचुएशन क्या है, उनकी हालात क्या है, क्योंकि कब किस टाइम पे कितने लोगों को उस जगह पे जाना पड़े कोई पता नहीं है। एट ए टाइम 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है, तो उतने लोगों की स्पेस वहाँ पे है नहीं है। तो हिंदू समाज से ये भी एक रिक्वेस्ट है कि अपने अपने क्रिमेशन ग्राउंड्स पे जाके अगर विज़िट करें, देखें, और मैं भी कोशिश करूँगा कि जितने भी क्रिमेशन ग्राउंड हमारे लोकेलिटी पे हैं वहाँ पे विज़िट करके उनकी जो एग्जैक्ट कंडीशन है मैं आपको आपके सामने उनको लाऊं, दिखाऊं, और उस पे लोग जो हैं उसको थोड़ा सा अच्छे से अगर बनाने की कोशिश करें तो ठीक है। जगह होनी चाहिए, लोगों के खड़े होने की जगह होनी चाहिए और जिसको डेड बॉडी को जलाना है तो उसके लिए अच्छा सा इंतज़ाम होना चाहिए, स्पेस होनी चाहिए सबसे बड़ी बात है। और कितने ऐसे क्रिमेशन ग्राउंड्स हैं जो बिल्कुल अब चन्हाब में डूब गए हैं, यानी कि पानी का फ्लो हाई होने की वजह से, ऊपर आने की वजह से वो नहीं है, तो उनके बारे में क्या उनकी लोकेशन चेंज हुई या नहीं हुई है। या कई ऐसे भी क्रिमेशन ग्राउंड्स हैं जो एनक्लोज्ड हैं यानी कि आसपास उसके एरियाज़ में कई जो हैं पॉपुलेटेड एरियाज़ बस्तियाँ बस रही हैं, तो आस्ता आस्ता से वो प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। तो अगर इनके ऊपर पहले से ही अगर ध्यान रखा जाए तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो अभी का फ़िलहाल तो ये है कि ये जगह खाली है जो कि उस दिन हमें भरी भरी दिख रही थी पूरा, आज ये सारी जगह जो है वो खाली है। आप देख सकते हैं यहाँ से ये पूरा जो स्पेस है, ये सारी जगह, जो कि बहुत अच्छा है। कंपनी ने अपना माल भी रखा हुआ है लेकिन जगह भी छोड़ी हुई है, दोनों चीज़ें मैनेज हो रही हैं, होनी भी चाहिए, जो कि एक अच्छा साइन है। लेकिन इस चीज़ को अच्छे से रखना चाहिए, मेंटेन करके रखना चाहिए, ये ज़िम्मेदारी हम सब लोगों की है।